हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ मित्तल, आपका स्वागत करता हूँ एसएस सरस्वती क्लासेस में। चलिए आज मैं आपको मैथ्स का क्वेश्चन 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट 1.2 प्रश्नावली के एग्जांपल कराने जा रहा हूँ, जिसकी शुरुआत हम आज करते हैं। अगर जिसने हमारी इससे पहले वाली प्रश्नावली 1.1 की अगर सवाल सॉल्यूशन वगैरह नहीं देखे तो हमारे उस वीडियो में जाकर हमारे चैनल पर जाए और उसमें पिछली वीडियो देखें और फिर उसके बाद हमारी ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। ओके, और हाँ, हमारी यह वीडियो उन लोगों तक ज्यादातर पहुंचाइए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, यानी कक्षा 9 के जो भी स्टूडेंट हैं वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचाइए। इससे उन लोगों को आराम से समझने भी आएगा और उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए हम वन बाय वन क्वेश्चन करवा रहे हैं। थैंक यू। जैसे कि अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल करा रहा हूँ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको ये बता दूँ कि ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें आपको बोला है √3। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था √2 का, अब जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में आ गए √3। अब आप बोले कि √3 को अपन कैसे रखें लाइन पे, तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, √3 को लाइन पे रखना बहुत आसान है। कैसे, जब भी अगर आपको √2 के अलावा √3, √4, √6, √7 ऐसे नंबर मिले तो आप एक फार्मूला याद रखना। ये फार्मूला कौन सा, √n-1। n-1 क्यों करा, क्योंकि जो दिया है ना इन्हें यहाँ पर निकालने को, ये क्या आपका √n दिया है, तो यानी कि ये अपना अंदर का जो n मानोगे तो यहाँ पर n-1 है, तो आप इसको क्या करो √ डालो n-1 यानी 3-1। ठीक है, 3-1 करोगे कितना आएगा √2 आएगा। तो आप क्या करो, यहाँ पर जो अपन जैसे कि लाइन खींचते हैं, लाइन खींची अपन ने, फिर से खींची, लाइन खींचने पर अपन ने यहाँ लिया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये लिया। अब क्या करा अपन ने, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये मान लिया बेस, यहाँ एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर खींच दिया और ये हाइपोटेनियस की लाइन लगा दी। ठीक है, तो अपन 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया। तो अब देखो यहाँ पे ये √2 निकला है, तो यहाँ अपन √2 आप किसी को भी मान लो, परपेंडिकुलर को या फिर इसको, तो मैं मान लेता हूँ बेस को, मान लेता हूँ √2। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया गया है इसे मैं मान लेता हूँ 1, अपनी इच्छा से 1। और यहाँ पे जैसे ये यहाँ O मान लिया, यहाँ A मान लिया, यहाँ पे B मान लिया। ठीक है, ये करने के बाद क्या हुआ, अपन को अब जैसे ये √3 है, √3 का स्थान निकालना है, √3 का स्थान समझ गए होंगे, तो यानी कि अपन यहाँ निकालेंगे हाइपोटेनियस पे, कि इन दोनों का टोटल √3 यहाँ निकलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, चलिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू में आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर। ठीक है, डाल दिया, ये लंब बेस, सॉरी ये लंब आधार और कर्ण, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस। ठीक है, जैसे ही डाल दिया हाइपोटेनियस ऐसे ही छोड़ दो, अगर आप H लिखना चाहो तो H भी लिख सकते हो, और यहाँ पे जैसे ही अपने नाम दिया ना OA तो OA भी नाम दे सकते हो आप अपनी इच्छा से। ठीक है, वैसे ज़्यादा अगर सलाह मानो तो OA नाम देना, अभी मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लोग OA नाम ही देना, ठीक है, वो ज़्यादा सही माना जाएगा। अब जैसे कि बेस है, तो बेस में क्या दिया है अपन ने, बेस में क्या माना, √2, तो √2 लिखा, और ये बी की जगह √2 लिख दिया, स्क्वायर लगाया, स्क्वायर का स्क्वायर यहीं लगाया, परपेंडिकुलर का 1 माना है तो पी की जगह 1 लिख दिया, बाहर स्क्वायर लगाई था। ठीक है, स्क्वायर आदि लग दिया √2 का स्क्वायर। अब ध्यान देना, कभी भी ध्यान देना, आपको ऐसी संख्या है √2 × √2, तो आप ध्यान देना जब रूट के अंदर जो संख्या है वो अगर समान है तो क्या होती है, रूट के अंदर जो संख्या होती है अगर वो समान होती है और रूट लगाओ बाहर तो इन दोनों का इंटू होता है ना, तो अकेला क्या बचता है, 2। क्या बचता है, अकेला 2 बचता है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एच का स्क्वायर ले लिया, क्या आ गया 3 आ गया, एच का लिया, यहाँ से रूट हटाया, स्क्वायर हटाया, यहाँ रूट लग गया, लग गया। और यहाँ पे भी वो यही बात अप्लाई होती है, जैसे कि कभी भी स्क्वायर हटा के रूट लगाते हो तो प्लस माइनस लगता है, लेकिन अपन पॉजिटिव साइड वाला चिन्ह लगा रहे हैं तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पे √3 है, पॉजिटिव है, इसलिए अपन पॉजिटिव साइड की लाइन लेके बैठे हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव में होता तो अपन इस साइड लेते, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब ये एच मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनियस यानी कि अपना कर्ण, तो कर्ण √3 आ गया, तो अपन को पता चल गया √3 अपना कौन है, कर्ण, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर,
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेनियस यानी कर्ण के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, जैसा कि आपने देखा, आपके सामने मैंने करके दिखा दिया, यानी कि जी आ चुका है। अब आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे कि कभी आपसे बोले कि इसको सर्कल में डालो, तो आप सर्कल में डालोगे तो क्या करोगे, यहाँ दिख रहा है ये लाइन, ये ऊपर वाली लाइन, यहाँ से आप पॉइंट लेना और यहाँ से ऐसे लाइन धीरे 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 खींच देना। तो जैसे कि यहाँ पर ये लाइन खींच रही है ना जी, तो जी क्या हो गया आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो गया, पूरा एरिया रूट थ्री के अंदर आ गया। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर ये रूट थ्री यहाँ पर है लेकिन यहाँ कैसे आ गया, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे कि रुकिए नीचे बताता हूँ, जैसे कि कभी एक लाइन खींची अपन ने, थोड़ी टेढ़ी खींची क्योंकि आपको थोड़ा समझने के लिए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया एक ऐसे ले लिया है, अब जैसे यहाँ रूट थ्री था, यहाँ वन था, यहाँ रूट टू था, ठीक है। अब जैसे कि ये क्या था, ये हो गया ओ ए बी। अब मैंने बोला आपसे कि रूट थ्री था तो यहाँ लाइन लेके आप ऐसे खींच दीजिए, तो आपने खींच दिया, तो खींचने के बाद क्या हो गया, यहाँ तक जितनी लाइन आई है यानी कि अपने जो हाइपोटेनियस निकाला है ना, तो जी कण अपना जो निकला हाइपोटेनियस, अगर आप इसकी जगह इसको पूरे को हाइपोटेनियस मानोगे, अगर सर्कल के हिसाब से देखो, यानी कि जैसे कि अगर एक सर्कल खींच दिया जाए, एक सर्कल खींच दिया जाए, एक सर्कल खींच दिया जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस पूरी लाइन को मानोगे, तो ये माने अपन ने पूरी लाइन, फिर अपन ऐसे मानोगे, फिर ऐसे मानोगे, फिर ऐसे मानोगे, फिर ऐसे मानोगे, ऐसे मानोगे, ऐसा करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये लाइन जैसे ये कण था, तो अगर आप जब इसको कण मानोगे तो ये रूट थ्री हो गया, इसको कण मानोगे तो ये रूट थ्री हो गया, इसको कण मानोगे तो ये रूट थ्री हो गया, इसको हाइपोटेनियस मानोगे रूट थ्री हो गया, तो ऐसे क्या होगा, लाइन चलती रहेगी। तो आप अपने अनुसार यहाँ से जो अपन ने जैसे यहाँ पर जैसे अभी फिलहाल ये अपना हाइपोटेनियस है, ये तो रूट थ्री है, तो अपन ने जैसे यहाँ से एक लाइन जो खींची है जो इस बात को दर्शा रहा है कि अगर हम इसको अगर हाइपोटेनियस मानेंगे तो जी हाइपोटेनियस रूट थ्री होगा। तो यानी हम यहाँ पर जो सर्कल खींचेंगे तो यहाँ पर सर्कल खींचने पर यहाँ एक हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर भी खींचेगा और बेस भी खींचेगा, तो हमारे लिए वो चेंज हो जाएंगी सब परिस्थितियाँ। तो आपको पता, मैंने आपको इसलिए बता दिया है जिससे आपको फ्यूचर में ये काम आए, ठीक है। जैसे कि अब आपको ऊपर तो समझ में आ गया होगा कि ये अपना रूट थ्री कैसे निकला यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए अब आपको मैं न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो जब तक आप हमारे ये दो एग्जाम पर खुद लगा के देख लीजिए जिससे आपको ढंग से आ जाएंगी बिना देखे। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन दूसरा देंगे जिससे आपको वो और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना मत भूलिए, और रोजाना ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको रोजाना न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। और हमारी इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जो कक्षा 9th में वो पढ़ते हैं और कोचिंग अफोर्ड भी कर पाते हैं। हम लोगों का यही मकसद है कि हम उन लोगों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचा सकें। थैंक यू।